हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो सब आज मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए पोहा, क्योंकि आज संडे, तो मनसी का ऑफ है और इसको संडे में भी ट्यूशन जाना है, वो भी 2 से 2.5 घंटे के लिए, क्योंकि इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो इसलिए तो मैं यहाँ बना रही हूँ पोहा। ये कह रही है मम्मी जल्दी से नाश्ता बना दो, देर हो रही है, इसके लिए नाश्ता बना दूँ फिर आप लोगों से मिलूँगी, क्योंकि इसको ट्यूशन जाना है और लेट हो रहा है, इसकी ट्यूशन टीचर बनना इसको डांट लगाई। तो मिलते हैं अभी आपसे दोस्तों। गाइस ये देखिए, मैं इस टाइप से पोहा बनाती हूँ। प्याज सबसे पहले, तेल, फिर राई, प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर, ये सब डाला है, फिर हल्दी, नमक, मिर्ची, यही सब जाएगा, फिर उसमें हल्दी नमक मिर्ची सब जाएगा, फिर उसके बाद जाएगा उसमें हमारा यम्मी यम्मी पोहा। तो मैं इसको जल्दी बना कर देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है? अब रेसिपी तो क्या ही बताना, आप सबको पता ही है पोहा की, इसलिए मैंने बता दी रेसिपी। तो मनसी अभी है ना, मैं फटाफट तुम्हारे लिए चाय और नाश वो पोहा दे रही हूँ, ठीक है? जाओ वहाँ बैठो, जाके मैं लेके आ रही हूँ, ठीक है? जा रही हूँ, जाओ। गाइस हमारा पोहा यहाँ पे बन के हो चुका है रेडी, और मनस्वी करने जा रही है टेस्टिंग। मनस्वी टेस्ट करके बता ना कैसा बना। मस्त बना ना, कढ़ाई इसमें से उतरते है ना गरम लगते है, पर पोहा नहीं लगता है, पोहा नहीं लगता। चलो जाओ फिर जल्दी से नाश्ता कर लो और ट्यूशन जाना, जाओ वहाँ पे बैठ के आराम से करो। तो गाइस मैं भी नाश्ता कर ही लेती हूँ आज, क्योंकि मैंने नहाने के बाद ही नाश्ता बनाया है, वरना मोस्टली पहले बनाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं और मैं सुबह सुबह फिर 7 बजे इतनी जल्दी नहाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ना पेन होने लगता है बैक में, इसलिए तो आज थोड़ा। हाँ हाँ, सबसे पहले मनस्वी नहाई है और फिर अब तो मैं नाश्ता कर ही सकती हूँ, क्योंकि मैं पूजा करने से पहले कुछ भी नहीं खाती हूँ, पूजा करने के बाद सब कुछ खाती हूँ, ठीक है? अभी मिलते हैं आपसे। आज देखिए हमने कुछ अलग वाली दाल बनाई है, जो है साबुत मसूर जिसको बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, शायद आप लोगों ने खाई भी होगी। चुप, ये देखिए ये वाली दाल है ना, ये दाल मखनी में भी आई थिंक यूज़ होती है, मुझे पता नहीं है, पर इसकी बहुत टेस्टी दाल बनती है ये। और दूध उबल चुका, दूध उबल गया है और रोटियां मैंने बना ली हैं, ये देख सकते हैं आप। मतलब आज मैंने पेपर लगाया है, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा ये फॉइल पेपर से ना बहुत ज़्यादा पसीज रहा है, इसलिए मैंने पेपर लगा दिया है थोड़ी सी देर के लिए। अभी मैं हटा दूंगी, क्योंकि इसका जो कपड़ा था वो हमने वॉश कर रखा है, दोनों कपड़े एक साथ वॉश कर दिए हैं। तो मैं मिलती हूँ अभी आपसे, ठीक है? फिर आज को खाना खिला दूँ पहले। तो गाइस देखो ये आ गए दिल्ली से, और मम्मी ने देखो हमारे लिए कितने सारे चिप्स भेजे और हमने तल के रख के दिए हैं। इसमें से हम सब ने खा लिए, दीदी किससे के रखे हुए हैं, बहुत सारे चिप्स भेजे हैं, लाडो के लिए खिलौने भेजे हैं। चलो मैं दिखाती हूँ ऊपर, और ये मैं उनके लिए ले जा रही हूँ हलवा, जो रात को बनाया था, गरम कराया मैंने, अभी जा रही हूँ ऊपर तुलसी में दिया जलाने। तू जला के, और मैं देखो बाप बेटी के कैसे नौटंकी चल रही है। तो देखो गाइस ये मम्मी ने अभी खिलौने भेजे हैं इसके लिए, लडोड़िया के लिए। दिखाया लाडो, दिखाओ। ये देखो एक ये रही डॉल, एक ये रहा, और ये देखो पायल भी भेजी इसके लिए मम्मी ने। लाडो नानी ने भेजे ना, नानी को पारू कर दो, इधर देख के पारू कर दो नानी को। नहीं ऐसा एहसान फरामोश लड़की है भैया, देखो कितनी सारी रबड़ है, ये ब्रांच के लिए गाड़ी, कितनी खुश हो रही है उसकी दाली निकलो ने भेज दिए ना। पर घर बहुत फैला पड़ा, बहुत ज़्यादा, और मेरे लिए भी ये कुछ लेके आया, मैं दिखाती हूँ ना, ऐसा होता नहीं है कि बाहर जाए मेरे लिए कुछ लाए ना, तो इस बार मेरे लिए लेकर आए हैं वॉच, ये रही, क्योंकि मेरी वॉच लाडो ने तोड़ दी थी, अच्छी लग रही है ना। दिल्ली जाए और मेरे लिए कुछ ना लाए भाई, ऐसा नहीं होता। पिछली बार गए थे तो 2 जीन्स लेकर आए थे, अब गए तो देखो कितने आराम से लेटा है, और हलवा, और ये देख रहे क्या हालत मचवाई है तुमने बेड पे, ये क्या करवाया है, ये नाड़ों ने किया है, ये देखो कितनी प्यारी लग रही है ये, और ये देखो ये आई पायल लाड़ों की पायल कैसी लग रही है, खो करी खोलना नहीं बेटा, ये तो विरांश भैया की है,
और हाँ गाइस, हमारे यहाँ एक शादी का कार्ड और आ चुका है, इसमें हमें जाना है कल, तो देखते हैं जाएंगे कि नहीं, क्योंकि ले जाने वाला है नहीं हमारे साथ, बस एक ही रोना है कि हमें ले जाने वाला कोई नहीं होता। और इस कार्ड का भी ना मैं बहुत अच्छा यूज करने वाली हूँ, उसके लिए आपको मेरा हैक देखना पड़ेगा, बनाऊंगी बहुत जल्दी। देखो कार्ड तो कितना प्यारा लग रहा है, इसके अंदर क्या, देखते हैं जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, कोशिश करेंगे जाने की, क्योंकि वो अंकल हमारे हर फंक्शन में आते हैं, वो स्पेशल बोल के गए बेटा जरूर आना आप लोगों को, वो बोल तो रहे थे कि तुम लोग तैयार हो जाना, मैं बता दूंगा टाइम होगा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर मैंने हाँ तो 3 मार्च को ही जाना है, 4 मार्च को तो उनकी बारात जाएगी ना, कल है उनका मतलब खाना वाना फंक्शन, लोगों को शादी में क्यों जाना होता है, बस खाना खा ले तो खाना खा ले तो हम कल जाएंगे है ना भाई, तो शादी में लोग क्यों जाते हैं, या तो दुल्हन देखने जाते हैं या खाना खाने, अब इसमें दुल्हन तो दिखेगी नहीं तो हम तो खाना खाने जाएंगे, बारात में हम जाएंगे नहीं, एक-एक चीज खाएंगे, एक-एक चीज कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ जैसे उसमें अभी नहीं आके शादी में हमने खाया था, और पता पहली शादी में देखे मैंने मोमोस, हाँ अरे वो भी बोल रही थी, पायल मलिक बोली है पहली शादी है जिसमें मैंने मोमोस देखे, जो थी नेहा, नेहा बोरा, थैंक यू नेहा बोरा मोमोस रखवाने के लिए, मोमोस तो बहुत कम लोग रखवाते हैं। हाँ। यार मम्मी को देखो अपने लिए बनाए थे चिप्स, एक चिप्स भेज दिया, कह रही है अभी और भी कचरी वचरी बनाऊंगी ना, वो तेरे मामा आ रहे हैं उनके हाथ भेजूंगी, बाबू मेरे को ये देना चप्पल, तो ये माँ ऐसी होती है, ये अपने बारे में बाद में सोचती है, पहले अपनी बेटियों के बारे में सोचती है, ऐसे भर भर के भेज दिया, इसमें मिर्ची और डाल दी यार तूने, हल्की सी डाली हो तो अच्छी लग रही है, मिर्ची थोड़ी कम, इसके पापा का कह रहे और है क्या, क्यों लालच सारे तो है नहीं, मतलब तले हुए, मैंने कहा नहीं ये पापड़ का ऐसा है, अगर एक बार खा लो ना मेरे तो लगती है, खाते रहो खाते रहो खाते रहो, चाय की तरह मेरी, हाँ मैंने इधर कुकर में आज दाल बनने रख दिया, अभी हमें थोड़ा काम और कर लो, फिर मिलते हैं आपसे है ना गाइस, हेलो गाइस, तो देखो आज हमसे कोई मिलने आया, हमारे सब्सक्राइबर है, अभी मिलाती हूँ आप लोग, तो यहाँ पे आई है मिस रिचान मिस आमली और जो है मेरे से हेयर कट कराने आई है, और ये हमको मिली है लाइव के थ्रू, और ये हमारी प्यारी सी सब्सक्राइबर, हाय बोलो, हाय ये रही दामिनी, बहुत जो लाइव में आते हैं ना वो रिचा दामिनी, जो ये वही दोनों ही है, हेयर कट कराने आए हैं इतनी दूर से हमसे है ना, ये बोल रहे ना तो मैं चाय पीती हूँ ना, हाँ चाय भी नहीं पीती, कॉफी भी मना कर दिया, हाँ दूध से रिलेटेड कुछ भी नहीं पीती है ये, कोल्ड ड्रिंक हम पिलाएंगे नहीं, कोल्ड ड्रिंक हम पिलाएंगे नहीं, तबीयत खराब हो जाएगी, हेयर कट हो रहा है, ड्रायर लगानी थी, हो जाए फिर पूरा दिखाती हूँ, बोलो क्या बोल रहे हो, शालू बोलो, शालू बोलो जल्दी बोलो, वो चाहिए ना, वो चाहिए ना, बोल दे शालू, वो शीतल, मेरा नाम नहीं ले पाएगा इतनी जल्दी, तो शीतल शालू तो आसान है, बोल दामिनी, ओ बड़ा, तो गाइस कटिंग हो चुकी है यहाँ पे फाइनल, आप देख सकते हैं ये देखिए, तो रिचा आपको कटिंग कैसी लगी, रिचा ने तो अभी अच्छे से देखी भी नहीं है, बहुत अच्छी लगी, तो गाइस मैंने रिचा की कटिंग कर दी, आई होप इनको पसंद आए, क्योंकि मैंने तो अपने पूरे एफर्ट्स दे दिए इनकी कटिंग करने में, अब इनको पसंद आनी चाहिए मेरी कटिंग, ताकि नेक्स्ट टाइम ये यहाँ पे आए, तो मिलती हूँ मैं अभी आपसे थोड़ी देर में, ठीक है, तो गाइस देखिए जा रहे डाकू हमारे घर से, लूटने आए थे, लूटने डाकू लूटने आए थे मुझे, देखो लूट के चले गए, इधर इधर है अभी लेके आए, तो अब कब आओगे नेक्स्ट, 3-4 दिन बाद, अच्छा लगा मिलके, आप तब भी आना घर पे, हाँ भैया को तो पता है, भैया को पता है, भैया कहीं मिलने जाते, बाय बाबू, नहीं जाएंगे आपके मम्मा का, बाय कर लो, हाँ जब कार के कह रहे थे हम तो हर जगह जाएंगे, फिर हमें किसी की वो नहीं करनी पड़ेगी, इसीलिए तो नहीं सिखा रहा, बोले जब मन करेगा उठा के चल जाएंगे, बाय।
हे गाइस, तो आज के व्लॉग में इतना ही। हमसे मिलने आए हमारे दो सब्सक्राइबर और जो यहीं अजमेर से हमें मिल गए थे, वो हमारी डेली लाइव अटेंड करते थे, उसके थ्रू हमको मिले थे। तो उन्होंने बोला था दीदी हम अजमेर से ही हैं, तो वो कल आए थे मेरे पास और अपना हेयर कट करा के गए। कल नहीं, सॉरी, आज ही आए थे, मैं भी क्या ही बोल रही हूँ। तो वो हेयर कट करा के गए थे अपना, और ना उसके बाद उनको हेयर कट बहुत अच्छा लगा। उन्होंने लाइव में भी बोला कि दिया आपने बहुत अच्छा हेयर कट करा, सभी लोग पूछ रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर आना, आप लोग अपना किसी और का हेयर कट कराना हो या कुछ और कराना हो तो नेक्स्ट टाइम यहाँ फिर आना। तो अभी खाने में हमने बनाए थे आलू और है ना छोले भी बनाए थे, दिन में बनाए थे, शाम को बनाए थे आलू। मनस्वी का आज जो एग्ज़ाम था वो हो गया, बहुत अच्छा गया, उसका कंप्यूटर का एग्ज़ाम था। मनस्वी सो गए, मैं दिखाती हूँ, देखो ये देखो, और ये है ना अभी भी टीवी देख रहा है, ये देखो डॉगी देख रहा है, डॉगी पता नहीं क्या ही देखते रहते। मैं बंद नहीं करूंगा टीवी। कोई बात नहीं, थोड़ी देर देख लो फिर सो जाना, ठीक है बाबू? देख रहा टीवी तक करके सो जाऊंगा। तो एक सेकंड है ना गाइस, ये वाला व्लॉग करती हूँ मैं यही है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे घर आए मेरी दो न्यू सब्सक्राइबर जो कि मुझे लाइव के थ्रू मिले, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे पास आके हेयर कट कराया। तो गाइस ऐसे ही आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और ये वाला व्लॉग बिना स्किप करे देखिएगा कि वो आए और उन्होंने क्या क्या किया। ठीक है गाइस, बाय बाय दोस्तों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। ओके दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट।